CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम कब की बात बालकराम नागर द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। कब की बात है भला? आज की। हम्म, कल की जो बीत गया है। हम्म, कल से भी एक दिन पहले परसों की। हम्म, तो बहुत दिन पहले की। क्या हुआ था बहुत बहुत दिन पहले? बच्चों, मुन्नू ने एक दिन आसमान में झूला बना हुआ देखा था, लाल, पीले, जामुनी, कितने ही रंगों का झूला। याद है बच्चों, इस झूले का क्या नाम था? इंद्रधनुष। बोलो। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। मुन्नू ने आसमान पर बने सात रंगों वाले झूले का नाम याद कर लिया, इंद्रधनुष। मुन्नू कितनी ही देर तक इंद्रधनुष को देखता रहा और फिर जैसे कोई चीज फुर्र से उड़ गई। इंद्रधनुष और उसके रंग न जाने कहां चले गए, कहां खो गए। और फिर मुन्नू बाग में चला गया तो वहां उसने क्या देखा? हाँ, बोलो, तितली। तितली, तितली, तितली। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी प्यारी है। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी प्यारी है। इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं, इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं, हो ये कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब बताओ कि तितली की कितनी टांगे होती हैं? बोलो बोलो। अरे कोई नहीं बोलता? अरे भाई, भूल गए क्या? क्या एक? हम्म, दो? हम्म, तीन? हम्म, चार? हम्म, पांच? हम्म, छह? हाँ, तितली की छह टांगे होती हैं। बच्चों, उस काली बिल्ली की बात तुमको याद है? उसे अपना काला रंग ही अच्छा नहीं लगता था और सफेद रंग की होने के लिए चल दी, पर क्या वो सफेद हो पाई? सब जानवर उस मानो बिल्ली को चिढ़ाते थे, काली कलूटी, बैगन लूटी, अपना मुंह शीशे में तो देख। मानो बिल्ली को सफेद होने की जिद सवार हो गई। वो गाय के पास गई, मुर्गे के पास गई, बत्तख के पास गई। बत्तखों का ये खेल मानो बिल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर वो बड़ी जल्दी में थी, उससे रहा ना गया। वो बीच खेल में ही बोल उठी, म्याओ म्याओ।
मानो बिल्ली का इस तरह उनके खेल के बीच में आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें आ गया गुस्सा। ना राम राम ना दुआ सलाम। अभी बताते हैं तू काली से गोरी कैसे हो सकती है। हां हां जल्दी बताओ, मानो बिल्ली ने कहा। तो सुनो, एक बत्तख बोली, आओ कूदो ताई में झट से, धुल जाएगी कालिक सारी, गोरी किट्टी हो जाओगी। और झट से मानो बिल्ली तालाब में कूद पड़ी। भला ऐसे भी कोई सफेद होता है? मानो बिल्ली सफेद होने के चक्कर में हो गई बीमार। बिल्लियों के डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मानो बिल्ली को देखा और फिर बोले, माओ बहुत शरारती बच्ची मालूम करती है। माओ मां बोली, ये शरारती ही नहीं जिद्दी भी है डॉक्टर साहब। जिद पकाकर बैठ गए कि काली से गोरी होंगी, काली से गोरी होंगी। ऐसी जिद भी कोई करता है भला? भगवान भला करे शेरू कुत्ते का जिसने डूबने से बचा लिया मानो को। म्याओ म्याओ। तभी इसे सर्दी लग गई है, इसे आज चारपाई से हिलने ना दो, खाने को भी कुछ ना दो। म्याओ। उन्होंने उस मानो बिल्ली को चूहे भी खाने को नहीं दिए। और हाँ, वो कौवा चला था मोर बनने। याद है ना कैसे? जो पंख मोरों ने नीचे गिराए थे, उन पंखों को कौवे ने अपनी पूंछ में खोस लिया और लगा गाने। देखो देखो मेरे पर रंग बिरंगे मेरे पर, देखो देखो मेरे पर रंग बिरंगे मेरे पर, लगता मैं कितना सुंदर रंग बिरंगे मेरे पर, लगता मैं कितना सुंदर रंग बिरंगे मेरे पर। कौओं में अब नहीं रहूंगा और न उनसे बात करूंगा, कौओं में अब नहीं। भला कौआ मोर बन सकता है? अच्छा बच्चों, ये पहेली बूझ पाओगे? एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर कलगी पूंछ पे चंदा, सिर पर कलगी पूंछ पे चंदा, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। कौवा तो मोर नहीं बन पाया। बच्चों, जब बिहारी बाहर गया तो चोरी के डर की वजह से अपनी दुकान की खुरपियां मुरारी के घर रखकर चला गया। कुछ दिनों बाद जब बिहारी आया तो मुरारी ने बिहारी से ये कहा कि भैया बिहारी, तुम्हारी खुरपियां तो चूहे खा गए। अब बच्चों तुम ही सोचो, भला चूहे कहीं खुरपियां खाते हैं? नहीं ना। तो बिहारी मुरारी की चालाकी समझ गया। उसने भी ये कह दिया, मुरारी भैया तेरे बेटे को चील लेकर उड़ गई। दोनों लड़ते झगड़ते सरपंच के पास गए। सरपंच ने उन दोनों से पूछना शुरू किया। क्या ये हो सकता है बिहारी कि एक छोटी सी चील 6-7 साल के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ जाए? बात ये है सरपंच जी कि वो चील पहले तो
एक अच्छी चील थी। मुरारी के घर के शैतान चूहों ने चील को उल्टा पाठ पढ़ा दिया होगा। ये बात है तो सुनो मुरारी, तुम अपने घर के चूहों से जाकर कहो कि 500 खुरपियां लौटा दें। चूहे तुम्हारे घर में रहते हैं ना, तुम्हारे इतनी सी बात तो उनको माननी ही चाहिए। चूहे मेरी बात न माने तो वो शैतान चील हमेशा एक शैतान चील ही बनी रहेगी। और सुनो, आज वो तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई है, कल किसी और के लड़के को उठाकर ले जाएगी, क्या समझे? जी समझ गया, समझ गया। ये सुनते ही मुरारी झट से सरपंच के पांव पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बिहारी की 500 खुरपियां लौटा देता हूँ। तब तो मुझे भी माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं अभी मुरारी के बेटे मुन्ना को मुरारी को लौटाता हूँ। और फिर सरपंच के सामने बिहारी और मुरारी ने हाथ मिलाए। मुरारी बिहारी, मुरारी बिहारी, मुरारी बिहारी। और हाँ, तुम्हें मछुए की कहानी याद है? मछुए ने मछली को पकड़ा। जानते हो बच्चों, दरबान को किस चीज का आधा हिस्सा मिला? कोई है? दरबान को बुलाकर उसकी पीठ पर 50 कोड़े लगाए जाएं, तड़ा तड़ 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 तड़, जैसे कोई बिजली कड़कती है, जोर जोर से तड़ तड़ तड़। 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50। तड़ तड़ 50 कोड़े लगने पर बेईमान दरबान की पीठ उधड़ गई। अच्छा बच्चों, अब तो जाने का समय हो गया है। नमस्ते। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।